हाय, ये प्रोजेक्टाइल का पार्ट 4 वीडियो है जिसमें मैं ये बता रहा हूँगा जितने अभी तक हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूले पढ़े हैं उसको वापस से एक बार पूरा का पूरा समराइज करेंगे एक जगह पर, और उसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं उन्हीं फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ पे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन एक कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये है मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको मैंने इनिशियली यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका है। यहाँ पे मैं कुछ बातें लिख लेता हूँ। सबसे पहले यू एक्स, या मैं बोलूँ यू हॉरिजेंटल, वो होगा यू कॉस थीटा। दूसरा यू वाई, या मैं बोलूँ यू वर्टिकल, वो होगा यू साइन थीटा। तीसरा कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट करेगा। फोर्थ आर रेंज को डिनोट करेगा। फिफ्थ एच मैक्सिमम हाइट को डिनोट करेगा। तो अब सारे फॉर्मूले एक बार वापस से समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर 1, वो था टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है लास्ट वीडियो में, दैट वाज 2u sin थीटा अपॉन g। तो इसी फॉर्मूले को मैं कैसे और लिख सकता हूँ, 2 into u sin थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से ले जाके यू वाई या यू वर्टिकल रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2u y अपॉन g। ये मेरा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लेके वापस यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसको जो टाइम लगेगा वो T/2 लगेगा, मतलब UY/G लगेगा, या मैं बोलूँ U sin थीटा/G लगेगा, मतलब हाफ हाफ डिस्टेंस कवर करने में या मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो वक्त लगेगा, दैट विल बी टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन टू, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला नंबर 2, रेंज। रेंज क्या होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की? तो वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था, दैट वाज U² sin 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। अच्छा, रेंज वापस से यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये पूरा का पूरा ये रेंज है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक कर रही है, तो ए से लेके बी तक प्रोजेक्टाइल को जाने में जो टाइम लगा है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और ए से लेके बी तक जो इसने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर की है उसको बोल रहे हैं रेंज। ओके, सो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला जो है, अच्छा ये एंगल थीटा है, इसी को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है या सिंपली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे जो रेंज होएगा, दैट इज U² sin 2 थीटा अपॉन g। अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वहाँ पे यू स्क्वायर को मैंने लिख दिया U into sin थीटा को लिख दिया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यू स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने यू कॉस थीटा लिख दिया, तो ये एडजस्ट हो गया इस तरीके से। अब वापस से R कैन बी रिटन एज दिस U sin थीटा इज UY, सो 2UY इंटू यू कॉस थीटा इज UX, UX/g। तो यहाँ पे ये भी रेंज का एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो रेंज कैन बी रिटन एज 2 UY into UX/g। UY क्या है? इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड UX इज इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल में और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, जी से डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ रेंज। ओके, सो दिस इज सेकेंड फॉर्मूला ऑफ रेंज। तो रेंज कैन बी रिटन एज U² sin 2 थीटा/g, और इट कैन बी रिटन एज 2UY into UX/g। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज ऑफ मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट फिगर से क्लियर करते हैं मैक्सिमम हाइट क्या है। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे ये इस तरीके से ए से बी प्रोजेक्टाइल मोशन इस पाथ पे कर रहा है, ये जो पाथ आपको बना के बताया हुआ है, तो इस पाथ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे एकदम बीच में इस पाथ, कर्व्ड पाथ ए बी के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया एकदम सेंटर पे जाके, और उसको ग्राउंड से जोड़ दिया।
तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट. अच्छा, यहाँ पे हमने और एक बातें जानी थी कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो सिर्फ सिर्फ किस दिशा में रहेगी, एक्स डायरेक्शन में रहेगी. वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होती है, वो भी देखेंगे अभी. तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, दैट कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये फॉर्मूला आया था. अब इस फॉर्मूले को मैं और अच्छे से ऐसे लिख सकता हूँ, यू साइन थीटा को तो मैं यू वाई लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g. तो आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट कैन बी रिटन एज कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो है उसका स्क्वायर अपॉन 2g, वो मेरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज यू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g. तो इस तरीके से मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख दिया. कुछ बातें और वापस से इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट के फॉर्म में. यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या दूंगा कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी रहेगा, वी वी एट मैक्सिमम हाइट, तो वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन एक्स डायरेक्शन होगा, दैट इज यू कॉस थीटा. तो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम हाइट पर, वो यू कॉस थीटा के बराबर होगा. एक ये पॉइंट है. और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब वी वाई जीरो होगा मैक्सिमम हाइट पर. ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट है. अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस तरीके से अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इनिशियली वेलोसिटी यू है और किसी टाइम पे मुझे वी वेलोसिटी पता करना है, तो यहाँ पर वी वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ यू कॉस थीटा आई कैप एट एनी टाइम प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप. इस तरीके से किसी टाइम पे मुझे वेलोसिटी पता करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो इसी फॉर्मूले में मैं टी की वैल्यू रख दूंगा और तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा. इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अंडर रूट यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या कहूँगा स्पीड एट एनी टाइम, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी. तो किसी टाइम टी पर मुझे अगर प्रोजेक्टाइल की स्पीड फाइंड आउट करनी होगी, तो आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला. और अगर वेलोसिटी पता करना होगा, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा. आप देख पा रहे होगे कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, और वो किसके बराबर है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, दैट इज यू कॉस थीटा के बराबर है. तो एक्स डायरेक्शन में ऑब्वियसली स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में कोई प्रोजेक्टाइल के पास एक्सेलरेशन नहीं होता है. बट वाई डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी. तो वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लीनियरली टाइम पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो स्पीड निकालना होगा, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दोगे, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर यू साइन थीटा का होल. ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा और अगर मैं मॉडिफाई करूँ, तो आई विल गेट दिस फॉर्मूला, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको मैंने लिख दिया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ओपन किया यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, तो प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा जी टी, टू यू साइन थीटा जी टी. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको ओपन किया, तो फिर देखते हैं क्या आएगा. अंडर रूट ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी टी. तो ये हो गया स्पीड का एक और फॉर्मूला. ठीक है, इसका मतलब क्या है, मुझे साइन थीटा पता है, यू पता है, टी पता है, तो मैं फॉर्मूला लगा के किसी भी पॉइंट पर स्पीड निकाल लूँगा. तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, चाहे डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करो. ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इस तरीके से. अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 6, कि मान लिया प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से हो रहा है और किसी टाइम टी पर मुझे ये पता करना है कि वो वेलोसिटी से
कितना एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी पार्टिकल की v, तो उस वेलोसिटी से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है। तो मैंने ये एंगल को अल्फा बोल दिया, तो आई कैन राइट टेन अल्फा टू बी। यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा vy और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा vx। तो आई कैन राइट टेन अल्फा टू बी vy अपॉन vx। और ये आपको vy तो अभी पता चला है, यहाँ पे किसी भी टाइम पर जो y कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, दैट इज u साइन थीटा माइनस gt। तो यहाँ पे मैं vy की वैल्यू रख दूंगा u साइन थीटा माइनस gt अपॉन vx। की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, मतलब x में डायरेक्शन, x में स्पीड कभी चेंज नहीं होती है, और वो u cos थीटा ही रहेगी। तो वो u cos थीटा एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। और आई कैन राइट अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। तो हर टाइम पर अलग अलग वैल्यू अल्फा की मिलती रहेगी, ठीक है। जैसे ये करके बताया मैंने, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, ये होगा मैक्सिमम हाइट पर। तो उस समय जो अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा मतलब हॉरिजेंटल से वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, तो वो तो जीरो होगी। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा जीरो रख दूँ या टेन अल्फा जीरो रख दूँ, तो आई विल गेट यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी यू साइन थीटा अपॉन जी, जो हम जानते हैं हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आएगा, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजेंटल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है वो मिल जाएगा, टेन अल्फा इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट में मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूंगा कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी यू स्क्वायर अपॉन जी, ये याद रखेंगे। मैक्सिमम जो रेंज हो सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया कि रेंज का फॉर्मूला तो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, लेकिन रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए, कीपिंग वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखते हुए, मैं वेरी करा रहा हूँ एंगल को, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर फेंक के देख रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन को, कीपिंग यू सेम। तो मुझे ये पता चल रहा है कि जब रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, उस समय साइन टू थीटा ऑब्वियसली वन होगा, क्योंकि साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर रेंज मैक्सिमम हो रहा है और थीटा वेरी कर रहा है, तो साइन टू थीटा भी जब मैक्सिमम होगा तो ही रेंज मैक्सिमम होगा, और साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी वन। और वो कब होगा, जब साइन के अंदर वाला एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी या थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो उस केस में मुझे रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी। तो मैं यहाँ से एक और पॉइंट लिख सकता हूँ, एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम एंड इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। इस मतलब ऐसे बना सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंक दिया यू स्पीड से, ठीक है, तो उसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जितना भी यू के करस्पॉन्डिंग रेंज मिलेगा वो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने यू से फेंका 30 डिग्री पर, इसी यू से, और एक बार मैंने यू से फेंका 60 डिग्री पे, तो इन सब केस में जो मैक्सिमम रेंज मुझे मिल रहा होगा तो वो यहाँ पे मिल रहा होगा। यू को सेम रखोगे और एंगल को वेरी कराते रहोगे, तो 45 डिग्री पे जब आप फेंक रहे होगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो उस केस में आपका जो रेंज मिलेगा वो मैक्सिमम रेंज मिलेगा, ये ठीक है। तो यहाँ से ये एट्थ पॉइंट हुआ। तो ये हैं सारे फॉर्मूले। अच्छा, एक और चीज़ कि मान लिया मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन हमें कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि ये तो वेलोसिटी यू है, बट ये एंगल आपकी यहाँ से दे रखा है उन्होंने। तो जितने भी फॉर्मूले बताए हैं मैंने, जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, उसमें अगर साइन थीटा जहाँ पे आया है साइन थीटा, तो उसको आप कॉस थीटा कर देना, और जहाँ पे कॉस थीटा आया है उसको साइन थीटा कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर दोगे फॉर्मूले में, तो फिर से वो फॉर्मूले लग जाएंगे अगर थीटा यहाँ से है,
और जहां पे साइन टू थीटा आया है उसको साइन टू थीटा ही रखोगे। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मुझसे एक बात पूछी जाए यहाँ पे। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें कि जैसे अगर मैंने ये प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंक दिया एक बार, और एक बार इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक दिया, मतलब 90 माइनस थीटा पे फेंक दिया। कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 30 डिग्री पे फेंका है प्रोजेक्टाइल को, और यहाँ पे 60 डिग्री पे फेंका है, वेलोसिटी सेम है यू यू, तो इन दोनों केस में रेंज जो होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की वो सेम आएगी, रेंज विल बी सेम। ये भी पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला है कि अगर थीटा पे प्रोजेक्टाइल को फेंको, चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको सेम स्पीड से, तो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो बराबर आएगा दोनों के केस में। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को जरूर याद रखोगे कि अगर थीटा वर्टिकल से ले लिया है क्वेश्चन में, तो उस केस में जो फॉर्मूले लगेंगे वहां पे सब फॉर्मूले में साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा, और साइन टू थीटा जहां पे आ रहा होगा वहां पे साइन टू थीटा ही रखोगे, वहां पे चेंज नहीं करोगे। ठीक है क्या? तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे वो इन्हीं फॉर्मूले पर लगेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद रखें प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए स्पेशली, तो कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियो में जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही होंगी उसमें और प्रोजेक्टाइल मोशन को डीप स्टडी करेंगे, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से होता है, आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में वो सबको स्टडी कर रहे होंगे।